में त्याग नहीं है। जो बाहर से हम त्याग करते हैं वो त्याग नहीं है, अंदर से त्याग। क्या त्यागना? अंदर से काम, क्रोध, लोभ, गुस्सा, ये पूजा, ये है त्यागना। यदि पानी न पिया गिलास पे चार बार हवा फटी जिससे कुछ पानी पी लिया इससे रहा नहीं जा रहा है लगे। कारण तो कर्म क्या है? तबीयत बिगड़ रही है, पी ले पानी पी लो, जाके पानी पी लो। उसका ध्यान कहे नहीं है खाने पी, और त्याग में नहीं है। त्याग का मतलब यही है कि भैया सात्विक प्रवृत्ति से रहो, कुछ चीज़ों का त्याग कर, तभी तो सफलता मिले। जो पानी खाना त्याग हो गई, अधिमाग उसी में लगा हिंदा का बनाऊंगी आज, इतना भी क्या खाऊंगी, आप क्या खाएंगे आज, मैं व्रत है, मैं सोच रही थी ये बना लेती, ये खा लेती, उसका दिमाग उसी में इसलिए खाने को, ये त्याग नहीं। तो कह रहे हैं जो बाहर से त्याग किया जल पानी फल, ये त्याग नहीं है। वास्तविक त्याग हुआ है जो अंदर की, जो हमारे अंदर के अवगुण है, उनका त्यागना ही एक व्रत है, पूजा है, पाठ है, और त्याग है और व्रत है। समझ में आ रहा है माता जी? नींद आ रही है, कहते हैं इसलिए गीता में फल इच्छा को त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है, और ज्ञान योग में कर्तव्य अभिमान का त्याग कहा गया है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बताया कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, जो आपके जीवन में मिला है उसका सुंदर सेवा करिए माता पिता की, और सुंदर धर्म को चलाइए, और फिर सुंदर धर्म से जुड़ जाइए, यही आपका कर्म और धर्म है। इससे भी बड़ा कोई पूजा पाठ होता है? होता है, बिहारी बाबू बताए बाबू होता है। तो कर्म ही होती है पूजा, कि व्रत होता है पूजा, त्याग होता है पूजा, व्रत त्याग नहीं होता पूजा। सुंदर घर में माता पिता को खुश रखना, सुंदर उनकी सेवा करना, टाइम से भोजन लगाना, सुंदर पूजा करना, सुंदर कर्तव्य करना, जो हमारे नियम है उनका पालन पोषण करना, इससे बड़ी पूजा क्या? ढूंढने से हजार में एक मिलेगा, ये भी एक पूजा है, हजार दो हजार में। अब ये नहीं कि भैया वो खाए बने, मुझे डिग्री वाली हूँ, मैं ऐसे ये सब नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस पता नहीं लगा, वो काम वाली सुंदर खिलाए के पिलाए, हाँ पढ़ी लिखी है बढ़िया, ड्यूटी जाती है, मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो पढ़ी लिखी उनको कहते हैं, और साथ भी कह रहे पढ़ी लिखी बात, एक हफ्ते बाद दो चार छः महीने बाद पढ़ी बस है, क्या है पढ़ी बस है, पढ़ी बस है, साफ कह रही थी पढ़ी है, पढ़ के आई थी पहले से सब, अब यहाँ पढ़ के तो कुछ पता चल रहा, पहले से पढ़ी पढ़ाई आई है, इंजीनियर डॉक्टर साफ करें बिचारे साफ साफ हो गया है, भाई वहाँ पढ़ी लिखी आई है, बाबू सब सुनी लाएगी, पढ़ी लिखी आई है, डॉक्टर की पढ़ाई कर ली है, मोलेगा जाएगी, अभी मन जब आई छः महीना सात महीना ठीक रही, सुंदर चिकन पकड़ा है, सुंदर गाड़ी में बैठा है, सुंदर होकर बढ़िया चल रहा, भैया आप क्या कर रहे हैं, पढ़ी लिखी आई है, पंडित जी से पूछे क्या पढ़ी देखी नहीं थी क्या, देखी सुनी थी पढ़ी लिखी थी सब थी, क्या हुआ? तो ये कौन सी पूजा है? सुंदर सास ससुर की सेवा करके सुंदर पढ़ी सीखेंगे ना, जो आपकी हुआ है, कलयुग में आने वाले समय में पुत्र ही दुख का कारण बनेगा, पुत्री ही दुख का कारण बनेगी। नहीं कहते बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन जमाई बन जाएगा, मिट्टी का पीला होना मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए कहते हैं मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये सब मिट्टी का पीला होना है मिट्टी में मिल जाएगा। गाती है कीर्तन करती है फिर वही घर गए तो वही हो जाता है, चलेगा कैसे संसार, चलेगा कैसे फिर काम पैदा करा, जब काम पैदा हुआ तो सृष्टि चली, सब पार खरीदा दे चले जाता है, मूड करके सब आ गए, अब करे तो करे काम, क्या करे पंडित, क्या पंडित जब काम उठाए कारण छत्तीस के छत्तीस गुण मिल रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया, कि कहे देवी देवता गुस्सा है, अब कहा बहाना पाए पिता देवता गुस्सा है, सब